चाय को छानने के बाद जो चाय पत्ती आपकी छन्नी में बची रह जाती है ना, वो चाय पत्ती आपके पौधों के लिए बहुत बेहतरीन खाद होती है। तो आप उस चाय की पत्ती को डस्टबिन में भूल के भी मत फेंकिएगा। मुझे लगता है लगभग लगभग सभी लोग जानते होंगे कि इस चाय की पत्ती को कैसे आप बखूबी अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर समस्या तब आती है जब हम या तो अदरक वाली चाय बनाते हैं या फिर कुछ उसमें और मसाले डाल के चाय बनाते हैं। फिर एक सवाल मन में उठता है कि क्या चाय पत्ती के साथ इन मसालों का या अदरक का होना हमारे पौधों के लिए ठीक होगा या नहीं होगा। कल इसी तरह के देखिए रेनू कोहली जी का सवाल आया कि चाय में जो हम मसाले डालते हैं या अदरक डालते हैं तो क्या उस चाय पत्ती को इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया। तो आपकी इस छोटी सी समस्या का बहुत छोटा सा हल, ये जो आप छन्नी में चाय पत्ती देख रहे हैं आज मेरी सुबह की चाय पत्ती है। और अदरक का हिस्सा ज़रा आप देखिए, मैं ज़्यादा अदरक वाली चाय पीती हूँ तो मेरी इस चाय पत्ती में लगभग आधी अदरक और आधी चाय पत्ती है, पर मैं इससे एक भी अदरक बाहर नहीं निकालती हूँ। अगर आप बिना अदरक की चाय पीते हैं तो आप वो अपने पौधों को पिलाइए, पर अगर अदरक वाली पीते हैं तो आप अदरक वाली अपने पौधों को पिलाइए। मसाले वाली यानी कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी जो भी डालते हैं ना, आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा पानी की धार के नीचे इसलिए लगाते हैं जिससे कि दूध का अंश और चीनी का अंश बाहर निकल जाए, बाकी हमें कुछ भी बाहर निकालने की ज़रूरत होती नहीं है। थोड़ी थोड़ी जो भी आपके यहाँ रोज़ में निकलती है आप किसी डिस्पोजल में या किसी पेपर के ऊपर डाल के सुखाते जाइए, और जब आपकी बहुत सारी इकट्ठा हो जाए तो आप इसको भर के रख सकते हैं जब मर्जी हो, जब आप अपने पौधों में खाद के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं उठेगा कि चाय पत्ती के साथ कोई मसाला है या अदरक है तो पौधों को नुकसान होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ इसी में जो चाय पत्ती में मैं पौधे लगाती हूँ उनमें भी मैं अदरक बाहर नहीं करती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए, और अगर आपके साथ साथ किसी और को भी यही संदेह है तो उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।